लॉकअप के कल के बैडास फिनाले में अनाउंस होता है मुनव्वर फरूकी का नाम एज द विनर एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मुनव्वर के फैंस ने ढेर सारा जश्न मनाया है, ढेर सारी बधाइयां मुनव्वर को दी है। लेकिन अब उसी के साथ साथ बिग बॉस की ये विनर ने भी अपनी ओर से बधाइयां मुनव्वर को देते हुए एक ट्वीट भी करा है एंड इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है। आखिर ये कौन है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त पदांगी करने का। आपको बता दें काफी टफ कॉम्पिटिशन थी लॉकअप में, मुनव्वर वर्सेस पायल होने वाला है, ये लोगों को काफी पहले से पता था और कई लोग जो है मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पायल को सपोर्ट कर रहे थे और टॉप टू में इन दोनों को देखने के बाद लग रहा था मानो कुछ भी हो सकता है, कंगना के हाथों में डिसीजन था और उनके अकॉर्डिंग जो बैडास होने वाला है, उनके अकॉर्डिंग जो विनर के टाइटल को सूट करता है उसी को विनर क्राउन करने वाली है। नर्वसनेस थी, नेल बाइटिंग मोमेंट्स ढेर सारे कल के एपिसोड में दिखाई दिए, लेकिन फाइनली मुनव्वर का नाम अनाउंस होता है एज लॉकअप सीजन 1 का विनर, जिसके बाद लॉकअप के इस विनर को लेकर ट्वीट किया है गौहर खान ने, जो गौहर खान ट्वीट करके कहती है कि यस मेरे फेवरेट ने जीता है, ये मुनव्वर यू टोटली डिजर्व्ड इट, जस्टिस तुम्हें मिल गया, यू वन, पायल प्लेड वेरी वेल, सायशा ऑल माय हार्ट, शिवम आप एंटरटेनिंग हो, प्रिंस यू आर अ स्टार। इस तरीके से कहते हुए उन्होंने एकता कपूर को भी कहा है कंग्रेचुलेशंस ऑन अ सुपर शो, जहां पे मुनव्वर की तारीफें हो रही है कि आपने डिजर्व किया जीतना एंड जस्टिस यानी आप जीत गए। पार रोहतगी की भी तारीफ की कि आपने अच्छा खेला है, सायशा के लिए ढेर सारा प्यार, शिवम एंटरटेनिंग है और प्रिंस ये स्टार है, इस तरीके से कहते हुए नजर आई है गौहर खान। और उसी के साथ साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली है, जिस स्टोरी को अब शेयर किया है एकता कपूर ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे, तो चलिए आपको ये स्टोरी दिखा देते हैं। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा या नहीं, वो इस तरीके से कह रही है कि यस लॉकअप में मुनव्वर फारूकी की जीत हुई, वेल डिजर्व्ड, कंग्रेचुलेशंस, एंड पायल को कहती है वेल प्लेड। तो इस तरीके से मुनव्वर की तारीफें करती हुई थकी नहीं रुकी नहीं गौहर खान और साथ ही साथ पायल के भी हार्डवर्क को उन्होंने एक्नॉलेज किया। क्या कुछ है इसके ऊपर कहना कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई सी यू गाइस सून, टेक केयर।